आज मैं बात कर रही हूँ बटन मशरूम का हम कल्टीवेशन कैसे करें। बटन मशरूम या श्वेत बटन मशरूम यानी एगारिकस स्पीशीज़ जो है, स्पेशली एगारिकस बायस्पोरस की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हमको इसको उगाना है तो इसके लिए हमें जो तापमान चाहिए वो इसकी फंगल ग्रोथ के लिए चाहिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फफूंद ग्रोथ के लिए 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और जब इसकी हम फ्रूटिंग बॉडी की ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए 14 to 18 यानी 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की हमें आवश्यकता होती है। और वैसे साधारण तौर पर हम इसकी खेती जो है वो जाड़े में मध्य नवंबर से मध्य फरवरी के बीच कर सकते हैं, यानी मिड नवंबर टू मिड फरवरी हम बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। अब यह कि बटन मशरूम के कल्टीवेशन के लिए हमको किस तरह की क्या सामग्री चाहिए, कैसा स्थान चाहिए, या हमें ऐसे कौन कौन से और चीज़ चाहिए, उनकी बात करते हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ हमको चाहिए होती है कंपोस्ट, और दूसरी चीज़ चाहिए होती है केजिंग सॉयल। तीसरी चीज़ है कि हम इसको किस में उगाएं, तो हम इसको प्लास्टिक की पन्नी में भी उगा सकते हैं, हम इसको लकड़ी के जो बॉक्सेस हैं उसमें उगा सकते हैं, या हम रैक्स बना करके भी इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग फॉर्मूले तैयार करे हैं बटन मशरूम उगाने के लिए। अगर आप राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान सोलन हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो उन वैज्ञानिकों ने जो एक कंपोस्ट का फार्मूला डेवलप किया है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि या तो आप गेहूं का भूसा लीजिए या धान का जो पराल होता है वो ले लीजिए, धान का जो पैरा होता है यानी वीट या पैडी स्ट्रॉक ले सकते हैं। दूसरी चीज़ चाहिए आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट केन। तीसरी चीज़ यूरिया, देन सुपरफास्फेट, उसके बाद म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिप्सम, गेहूं का भूसा, चोकर, शीरा, इतनी चीज़ें चाहिए आपको कंपोस्ट बनाने के लिए। अब अगर हम मैं मात्राओं की बात करती हूँ तो गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम और अगर धान का आप पैरा ले रहे हैं तो 400 किलोग्राम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 9 किलोग्राम, यूरिया 2.5 किलोग्राम, सुपर फास्फेट 3 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, शीरा आपको चाहिए 5 लीटर, और नीम की खली भी हम इसमें प्रयोग करते हैं ताकि बहुत सारी बीमारियां इसमें नहीं लगें, तो वो आप 30 किलोग्राम ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका खाद बनाने के लिए कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें जो चाहिए वो है केजिंग सॉयल या आवरण मृदा। तो आवरण मृदा को अगर आपको तैयार करना है तो हमको दो तरीके हैं, जैसे दोमट मिट्टी हम लें और रेत लें, तो ये हम 4:1 के रेशियो में लेंगे, यानी 4:1 लेंगे। दूसरा है कि अगर आप ये नहीं मिलता है तो आप गोबर की पुरानी जो खाद है वो ले लीजिए और दोमट मिट्टी ले लीजिए, इसको आप आधा आधा बराबर भाग में लीजिए, तो ये आपका हो जाता है केजिंग सॉयल या आवरण मृदा बनाने की सामग्री, ठीक है। अब देखिए कैसे इसकी खाद कैसे बनाते हैं। तो इसकी खाद बनाने के लिए किया क्या जाता है कि एक चबूतरा होना चाहिए हमारे पास मशरूम उगाने के लिए, मतलब मशरूम की खाद तैयार करने के लिए, वो चबूतरा एकदम पक्का हो, ऊपर उस पर किसी प्रकार की शेड हो जाए ताकि पानी सीधे उस पर बरसात का नहीं आ पाए, क्योंकि खाद बनाने में समय लगता है हमको। अब ये है तो सबसे पहला काम किया जाता है कि गेहूं का भूसा या धान का पराल आपको जो लेना है आप ले लीजिए, उसको पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। और अब करना क्या है कि 48 घंटे पहले हमको गेहूं का भूसा या धान का पराल जो है वो भिगोना है, तो उसको बहुत अच्छे से हमें भिगोना है, पानी उसमें डालना है, उसको पैरों से मिलाइए, खूब पानी को हाथ पैर सबसे मिलाइए ताकि पानी का अवशोषण बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद 24 घंटे पहले बाकी के जितने मटेरियल हैं सिवाय जिप्सम के, आप जिप्सम छोड़ दीजिए, और जितनी चीज़ें हैं उनको आपस में अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है। 48 घंटे पहले हमने मिला यानी दो दिन पहले हमने मिला लिया गेहूं के भूसे को या धान के पराल को, हमने खूब पानी डालकर उसको नम किया, ठीक है। दूसरे बाद एक दिन पहले हमने बाकी सभी उर्वरकों को आपस में मिला दिया,
उसके बाद अब हम इन दोनों को आपस में अच्छे से मिलाते हैं। मिलाने के बाद इनका हमें एक ढेर बनाना पड़ता है। तो इतनी जितनी सामग्री है इसका एक ढेर बनता है, इससे अधिक अगर आप सामग्री लेंगे तो आप और अधिक ले सकते हैं, लेकिन कम लेंगे तो जो है खाद नहीं बनती, क्योंकि उतनी उसमें हीट नहीं होती, वो डिकम्पोज कैसे होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब तकरीबन हमें 3 या 4 कुंटल गेहूँ का भूसा लेना पड़ता है बटन मशरूम उगाने के लिए। ठीक है, अब ये बात हो गई। तो हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं किसी भी लंबाई का, लेकिन 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बनाना पड़ता है। उस ढेर को बनाकर और ऊपर लकड़ी के जो मोटे मोटे जो फट्टे होते हैं उनसे ढक दीजिए, फिर उसके ऊपर जूट की बोरियों से ढक दीजिए, और ढकने के बाद जूट की बोरियों को नम करके, साफ़ करके नम करके आप ऊपर ढक दीजिए। तो इस तरह से हमारी कंपोस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। अब क्या करना है, अब इन्हें बीच बीच में हमें खोल के देखना पड़ता है कि कितनी डिकम्पोज हुई, कितनी मात्रा में हुई, क्योंकि पानी हमें और अंदर डालना पड़ेगा। तो हमको इनकी तुड़ाई करनी पड़ती है और फिर पलटाई करनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है। अब पहली जो पलटाई है खाद की, वो हमको 6ठे दिन करनी होती है। जैसे आज हमने अपना ढेर बनाया, उसके 6 दिन के बाद हम पहली पलटाई करेंगे, आपस में उसको मिलाएंगे, पानी का छिड़काव करेंगे, फिर ढक देंगे। 6ठे दिन हमने पहली पलटाई की, फिर 10वें दिन हम दूसरी पलटाई करते हैं, फिर 13वें दिन हम तीसरी पलटाई करते हैं, फिर 16वें दिन हम चौथी पलटाई करते हैं, है ना। ठीक है, इस तरह करके 3-3 दिन के अंतर पर हम 8 पलटाई करते हैं, यानी 28 दिन तक हम इसको अलटते पलटते रहते हैं, यानी 6, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28। तो हमने पलटा, और आप खुद उसमें चेंज देखेंगे, परिवर्तन ये देखेंगे कि खाद का रंग बदलेगा, उसमें खुशबू आएगी। अगर उसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तब आप समझिए वो खाद आपकी तैयार है। मान लीजिए अगर 28वें दिन आपने खाद को तोड़ा और उसमें आपको लग रहा है कि अमोनिया की गंध आ रही, इट मींस कि भी आपकी खाद तैयार नहीं है। तो आप सबसे पहले अगर अमोनिया की गंध आ रही है तो फिर से उसको ढक दीजिए, और फिर आप 3 दिन बाद फिर उसको तोड़िए, फिर खोलिए, फिर पलटाई करिए, फिर आप देखेंगे उसमें अमोनिया की गंध नहीं आई। यानी अमोनिया रहित जब आपकी खाद हो तो इट मींस कि वो खाद आपकी एकदम तैयार है। तो इस तरह से आपकी खाद जो है, यानी कंपोस्ट हमारा, वो एकदम तैयार है अब बिजाई के लिए। ठीक है, तो इस तरह से खाद बनाई जाती है। अब करना क्या है कि हमको किस में उगाना है। अगर आपको प्लास्टिक की पन्नी में उगाना है तब तो आप 15 किलोग्राम जो कंपोस्ट ये तैयार है आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको लकड़ी की पेटियों में तैयार डालना है या आपको रैक्स में तैयार करना है तो आप उनमें भी कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। तो अगर मान लीजिए आप लकड़ी की पेटियां ले रहे हैं तो 1 मीटर × 1/2 मीटर × 18 सेंटीमीटर ये आप एक माप रखिए, और 1 मीटर लंबी, जैसे 1/2 मीटर आपकी जो है चौड़ी, और 18 सेंटीमीटर ऊँची। इन पेटियों में लगभग आप 25 पेटियां इतनी मात्रा की जो खाद है उसमें आप आराम से भर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए रैक्स में उगाना चाह रहे हैं तो रैक्स में, एक रैक से दूसरे रैक की जो का जो अंतर होगा उसको आप 20 सेंटीमीटर कम से कम अलग अलग बना के चलिएगा। एक रैक से दूसरे रैक के बीच 20 सेंटीमीटर का अंतर देके रैक्स बना लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आप पॉलीथीन में कर रहे हैं तो 15 किलोग्राम खाद आप एक पॉलीथीन में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, स्पॉन जो है, यानी बीज जो है मशरूम का, वो आपको जो भी कृषि विश्वविद्यालय भारत के हैं उनके प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से श्वेत बटन मशरूम के बीज मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले लीजिए। 100 रुपये किलो तक इसका सरकारी मूल्य होता है, और या फिर आपके आसपास कोई कृषि विज्ञान केंद्र आप वहाँ से ले लीजिए, या मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। इनके दाम में थोड़ा सा अंतर आता है, तो आप श्वेत बटन मशरूम के बीज ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, कंपोस्ट तैयार कर लीजिए, आपके पास जिसमें उगाना हो आप उस संसाधन को ले लीजिए, और फिर आप इसकी बिजाई करिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने एक पेटी ली, उसमें सबसे पहले आप लगभग 7 सेंटीमीटर तक खाद डालिए।
या जो कंपोस्ट हमारी तैयार हो रही है उसको डालिए, फिर उसमें आप बीज डालिए, उसके बाद फिर 8 सेंटीमीटर तक खाद डालिए, ठीक है। इसीलिए 18 सेंटीमीटर की ऊंची पेटियां ली जाती हैं ताकि उसके ऊपर मशरूम निकले। मतलब 7 सेंटीमीटर खाद डाली हमने, फिर अंदर बीज डाला, फिर उसके ऊपर हमने 8 सेंटीमीटर तक फिर इसी कंपोस्ट को डाला, और उसके बाद इसके ऊपर हमको पेपर से ढक देना है, और पेपर के ऊपर से हमको पानी का छिड़काव करना है। अब जो पेपर या अखबार होता है इसको भी हमें यहाँ पर स्टरलाइज्ड कर लेना होता है या निर्जमीकृत करना होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप जो हमने खाद बनाई, इस खाद को भी हमें निर्जमीकृत करना या पाश्चुरीकृत करना या स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि किसी दूसरे फफूंद या बैक्टीरिया का या कीड़ों का इस पर अटैक नहीं हो। तो अगर मान लीजिए आपके पास अभी सामान्य रूप से आप कर रहे हैं तो आप स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे, तो कम खाद आपकी कम उत्पादन होगा। लेकिन जब आप एक इंडस्ट्री के रूप में बटन मशरूम की खेती करेंगे तो आपको उसकी स्टरलाइजेशन की जो मशीन है वो लेनी पड़ेगी, और उसमें इसको जब आप निर्जमीकृत कर लेंगे इस कंपोस्ट को, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां अपने आप नहीं लगेंगी, ठीक है। तो अखबार को जैसे करना है आपको पाश्चुरीकृत, तो आप फॉर्मलिन ले लीजिए, एक बाल्टी में पानी डालिए, उसमें कुछ बूंदें फॉर्मलिन की डाल लीजिए, और अखबार मोड़ के डाल के निकाल लीजिए और सुखा लीजिए, तो वो आपका पेपर स्टरलाइज हो जाता है। तो आप अपनी लकड़ी की पेटियों में बीज और खाद डालने के बाद ऊपर से अखबार डाल दीजिए, और अब इन पेटियों को रख दीजिए आपका जो उत्पादन कक्ष है। मैंने शुरू में कहा कि फफूंद उत्पादन के लिए चाहिए तापमान ज़्यादा, 20 से 22, लेकिन फ्रूटिंग बॉडी के लिए चाहिए 14 से 18। तो अभी आप जिस कमरे में रखेंगे उसका तापमान होना चाहिए लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर सामान्य रूप से आप कर रहे हैं, अभी इंडस्ट्री के तौर पर नहीं कर रहे हैं, सीखने के तौर पर कर रहे हैं, तो आप ठंड के मौसम में करिए, तो आप एक कक्ष हो जो बहुत साफ़ सुथरा हो, और नमी लगभग 75 से 80% उस कमरे की रखिए, उसको एक बार फॉर्मलिन से धो दीजिए, उसकी दीवारों को धो दीजिए फॉर्मलिन पानी मिला करके, और उन कक्षों में आप अपने सभी पेटियों को रख दीजिए। तो ये आपका काम हो गया। बीज की मात्रा जो है लगभग, जैसे अगर 100 किलोग्राम आपकी खाद है, तो आप उसमें लगभग 500 से 700 ग्राम बीज डाल सकते हैं। इस हिसाब से आप अपनी पेटियों में बीज डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 कुंटल आपका खाद बना, तो 3 कुंटल खाद के लिए आपको करीब 1.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता, 1.5 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से आप अपने पेटियों में या आप अपने रैक्स में या पॉलीथीन में बीज डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप स्वतः देखेंगे, सुबह शाम पॉइंट पेपर के ऊपर डालते रहिएगा, लगभग 15 दिन में आपके कंपोस्ट के ऊपर सफ़ेद रंग के कवक जाल निकल जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब हमको इसको एक और पोषक तत्व देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मैंने नाम लिया था केजिंग सॉयल या आवरण मृदा। तो जब मान लीजिए आप सुपरवाइज करते रहिए, जब ऊपर फफूंद निकलना शुरू हो जाए तो आप आवरण मृदा को तैयार कर लीजिएगा। आवरण मृदा को अगर आप 2-3-4 दिन पहले तैयार कर लें तो बेहतर होगा। जैसे दोमट मिट्टी आपने ली साफ़ सुथरी, उसमें रेत मिलाया 4:1 के रेशियो में, और उसको पानी में फॉर्मलिन डाल करके उसको डाल दीजिए, उसके बाद रात भर ढक दीजिए, फिर 3-4 दिन में फॉर्मलिन की महक अपने आप उड़ जाती है। तो इसी लेप को आप, जब आपका सफ़ेद कवक जाल पूरा अच्छे से दिखने लगे, जैसे हमने आज बिजाई की, उसके 15-16 दिन के बाद आप देखेंगे कवक जाल निकल जाएगा, उसी कवक जाल के ऊपर मोटा करीब 2-2.5 जो है सेंटीमीटर मोटा आपको आवरण मृदा का बिछा देना है, और अखबार हटा दीजिएगा और उसी कवक जाल के ऊपर आप आवरण मृदा बिछा दीजिए। और आवरण मृदा बिछाने के बाद फिर आप जो है उसको फिर सुपरवाइज करते रहिएगा। जब लगभग 10-11 दिन हो जाए तब तक तो हमें तापमान वही 20 से 22 चाहिए, लेकिन जब 11-12 दिन हो जाए आवरण मृदा बिछाने के या केजिंग सॉइल बिछाने के बाद, तो आप उसको अब शिफ्ट कर दीजिए ऐसी जगह जहाँ तापमान आपका 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ पर आप जब शिफ्ट कर देंगे तो लगभग आवरण मृदा बिछाने के 15 दिन के बाद नन्हे नन्हे मशरूम की फ्रूटिंग बॉडीज निकलना शुरू हो जाती है, यानी फलन काय निकलना शुरू हो जाता है। जब फलन काय निकलने लगे तो उसकी
टोपी खुलने से पहले ही आप उसकी धुलाई कर लीजिएगा, मतलब ऊपर का कैप खुले ना तभी आप उसकी धुलाई कर लीजिए। टोपी जब खुल जाती है तो उसके जो मशरूम के जो मूल्य होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो आप इनकी धुलाई कर लीजिए। उंगली और अंगूठे के सहारे से ही सिर्फ आपको मशरूम को तोड़ के रख लेना है। तो इस तरह से आप मशरूम की धुलाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात ये आती है कि मशरूम मान लीजिए आपके निकल गए, अगर आप ताज़ा प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर तो कर लीजिए, ताज़ा आपका बिक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ताज़ा बिकता है तो फ्रिज में भी आप तकरीबन 7-8 दिन तक मशरूम को बहुत अच्छी अवस्था में फ्रिज में एक पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में छेद करिए, उसमें मशरूम को डाल दीजिए और फ्रिज में 7-8 दिन तक आप आराम से मशरूम को जो है रख सकते हैं। नहीं तो फिर अगर इंडस्ट्रियल तौर पे आपको मशरूम की खेती करना है तब तो आपको जो है कैनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग इसकी डिब्बाबंदी करनी पड़ेगी। बिना डिब्बाबंदी किए फिर आप इन मशरूमों को नहीं रख सकते, क्योंकि ये मशरूम जो होते हैं वो सुखाए नहीं जाते हैं। बटन मशरूम को हम सुखा नहीं सकते हैं, इस वजह से ये दिक्कत होती है कि हमको इसकी कैनिंग करनी पड़ती है। हालांकि बटन मशरूम तो बहुत तेज़ी से ही फ्रेश ही ताजे ही निकल जाते हैं और इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, आप सभी जानते हैं, आप सभी इसको प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बटन मशरूम जो होता है वो इसमें लगभग 3.5% तक जो है वो प्रोटीन होता है, बाकी ये अन्य चीज़ों का, विटामिन्स का, पानी का, खनिज लवणों का बहुत बेहतरीन स्रोत है ही। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है और न ही इसमें बहुत ज़्यादा वसा पाई जाती है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा भोज्य पदार्थ है, हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, मोटापे से ग्रसित रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम इसको अपने दैनिक आहार में शामिल करें तो आप समझिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी नहीं होता है अगर इस मशरूम को खाया जाए तो, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं होता है, तो इस वजह से ये समझ लीजिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम इन मशरूमों को जो है इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएं, जैसे अचार है, शोरबा है, सॉस है, तो हम ये सब बना करके इसको जो है बहुत दिनों तक रख सकते हैं। और क्वालिटी बेस्ड अगर हम प्रोडक्ट बनाएं मशरूम के तो आप इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में अच्छे दामों में बेच भी सकते हैं। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह, जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप लड़कियों का बना दें तो उनको भारत सरकार और विभिन्न प्रकार के बैंक भी हैं जो कि सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम मशरूम की खेती मतलब मशरूम को हम कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो ये मान के चलिए कि अगर 100 किलोग्राम हमने कंपोस्ट तैयार की है तो उसमें से लगभग अगर पाश्चुरीकृत हमारी खाद है तो 20 किलोग्राम हमको ताज़े मशरूम मिलेंगे। तो एक बार में अगर हम 300 किलोग्राम खाद तैयार करते हैं तो हमें 60 किलोग्राम ताज़े मशरूम मिल जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये मशरूम बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं तो ये आसानी से बिक जाते हैं, इनका रेट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात है, बहुत सारी सावधानियाँ हमको अपनानी चाहिए क्योंकि बटन मशरूम में बहुत तरह के फफूंद भी लगते हैं, बहुत सारे कीड़े लगते हैं और कुछ सूत्रकृमि या निमेटोड भी इसमें लगते हैं। तो आप जब भी इसकी खेती करें या इसको कल्टीवेट करें तो आप ये ध्यान दें कि कीड़ों के लिए आप मेलाथियन का प्रयोग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक हमारे जो ये फफूंदी नाशक हैं आप उनका भी प्रयोग करिए। और इसके बाद नीम की खली इसीलिए प्रयोग की जाती है ताकि सूत्रकृमि ना लगें। तो समय समय पर आप जो भी मशरूम के एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह करके, उनसे पूछ करके आप जो है इस मशरूम, अगर आप कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ सावधानियाँ रख लीजिए कि मशरूम का जो कक्ष है उसको साफ़ सुथरा रखिए, उसमें जूते चप्पल पहनकर मत जाइए, फॉर्मलिन का आप छिड़काव कर देंगे अगर दीवारों पर और अपने फर्श पर तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही नहीं लगती हैं। दूसरा ये है कि अगर आप धान का पराल यूज़ कर रहे हैं तो मेलाथियन का प्रयोग कर लीजिए। इसके बाद जैसे
जब भी आप मशरूम तोड़ रहे हैं अगर उसका कोई पार्ट छूट जाता है तो उसमें आवरण मृदा भर दीजिए, तो उससे आगे बीमारियां नहीं लगेंगी। कोई भी पार्ट अगर मशरूम का टूटा है तो उसको तुरंत निकाल दीजिए। मशरूम की खाद जो जब आपने मशरूम उत्पादन कर दिया तो उसकी जो खाद बच जाती है तो आप उसको बहुत अच्छे से कहीं जो है ऐसा ना हो कि आप उसको ऐसे ही कहीं फेंक दें, बहुत अच्छे से उसको कहीं पर जो है डंप करवा दीजिए, या उसका उसकी उसका जो अन्य उपयोग है आप उसको करने की कोशिश करिए। और जो भी पेटियां हैं उनको बहुत अच्छे से साफ़ करवा दीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे और जो भी मशरूम एक्सपर्ट है उससे मिल करके अगर आप एक मैं तो ये कहूँगी एक प्रॉपर ट्रेनिंग आप ले लीजिए, जो अलग अलग सेंटर्स हैं मशरूम के, चाहे आप हिमाचल प्रदेश सोलन से या विभिन्न कृषि के विश्वविद्यालयों से, समय समय पर वो लोग जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं अगर आप वहाँ से एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेंगे, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से, इन सब जगहों से अगर आप ट्रेनिंग ले लें, साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक जो भी ट्रेनिंग आप लेना चाहें ले लीजिए, तो आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और इसके बाद जो सर्टिफिकेट वहाँ का मिलेगा वो बहुत यूज़फुल होगा आपको लोन के लिए। तो इस तरह से आप मशरूम की खेती, बटन मशरूम की खेती भी आसानी से कर सकते हैं और स्वरोजगार अपने लिए अर्जित कर सकते हैं।